श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाम वरण रघुवर बिमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दीजियो सुहरो कलेश विकार। आदरणीय सभी श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट के माध्यम से रामायण का पवित्र ख्यान, ये बाली वध के बारे में जो हम लेके चल रहे हैं, तो क्षमा करें, जिस समय लंकापति रावण माँ सीता का हरण करने के बाद में लंका में चला जाता है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेषा अवतारी लक्ष्मण के साथ में व्याकुंठ थे और सीता की खोज में परेशान होते हुए जब ये ऋषिमुख पहाड़ पर पहुंचे हैं तो ये बजरंग बली से जाके मिले हैं लगत जेठ परवा वाले दिन, और बैसाख की पूर्णमासी के बाद में लगत जेठ परवा को जब मिले हैं बजरंग बली से, बजरंग बली ने अग्नि की साक्षी कराने के बाद में सुग्रीव को मित्र बना दिया, और जब सुग्रीव को मित्र बना दिया, सुग्रीव पास में बैठे हुए थे तब भगवान श्री राम से एक बात कही कि कुछ दिन पहले यहां से मालूम पड़ा कि हमें सीता जी ही निकलती हुई जा रही हैं, जो कुंडल यहां ऋषिमुख पहाड़ पर फेंक के गई हैं वो मेरे पास हैं, कुंडल ला करके श्री राम को दिए हैं, लेकिन भक्तों पहले ही से राम के पिघल रहे थे नैन, देखा कुंडल को तभी हुए और बेचैन। उसी समय लक्ष्मण से कहा सीता जी के कुंडल निहार करके राम ने कि लक्ष्मण भैया देखो ये कुंडल क्या जनक नंदिनी के हैं, क्या ये कुंडल सीता के हैं? तो लक्ष्मण कहने लगे भैया माफ करना कि मैंने तो चरण निहारे ही और देखे माता के कान नहीं। लक्ष्मण कहने लगे भैया राम माफ करना मुझे, मैंने तो चरण निहारे ही देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ कुंडल की कुछ पहचान नहीं। जवाब दिया है मुझे माफ करना भैया, मैं तो केवल चरणों का सेवक हूँ, मैंने कभी कान नहीं देखे माँ के जो हमें कुंडल की पहचान हो। लेकिन लक्ष्मण धनुष हाथ में लेके कहने लगे ओरे नादान कुंडल बाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना आते हैं रण करने वाले। लक्ष्मण से जवाब दिया है राम ने, तो लक्ष्मण कहने लगे कि माफ करना भैया हमारे कब्जा से बाहर है, मुझे कुंडल की कोई पहचान नहीं है। इतने शब्द सुनने के बाद में अब सुग्रीव के पास बैठे थे भगवान श्री राम, तब तक सुग्रीव की नजर पहुंची जो सात ताड़ के वृक्ष खड़े थे उनके ऊपर, तो ताड़ तरुबरों पर तभी सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव के और मुख से निकली आह। दोस्तों सुग्रीव के मुंह से जिस समय ये शब्द सुने भगवान श्री राम कहने लगे भैया सुग्रीव खैर हमारी तो पत्नी का हरण हो गया इसलिए मैं व्याकुल रहता हूं, लेकिन हम जब से यहां आए हैं और जिस समय से मैंने तुम्हें देखा है तुम इतने अधीर क्यों रहते हो? और जवाब दिया भैया सुग्रीव बोलो ना कुछ तो बोलो,
कि हम जब से ऋषि मुख आए और तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देखी तुम्ही हम भी चिंतित हो जाते हैं। जवाब दिया है राम ने, एक बात बताओ सुग्रीव, तुम इतने चिंतित क्यों रहती हो? तो सुग्रीव अपने दिल की कहानी कहने लगे और जवाब दिया, हे प्रभु राम, आज जो हमारा भाई है बाली, वो हमारा दुश्मन बना बैठा है, लेकिन हम अपने दिल का दर्द तुम्हें कहां तक सुनाएंगे। सच केवल यही है कि मैं जिसके भय से गाय बना और वो नहर सा दुख भाई है। प्रभु राम, मैं जिसके भय से गाय बना वो नहर सा दुख भाई है। कहने को तो मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई है। बात सिर्फ एक है प्रभु, छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है। वो लिया राज छीन पत्नी छीनी अब मेरा काल बना है वो। सुग्रीव कहने लगे कि प्रभु, वैसे तो हमारा सगा भाई है, लेकिन इससे बड़ा दुनिया में कोई दुश्मन भी नहीं है। हमारा सब राज्य छीन लिया, मेरी पत्नी छीन ली, तुम्हारी पत्नी का हरण तो रावण करके ले गया, लेकिन मेरी पत्नी मेरे भाई ने छीन ली। इतने शब्द सुनने के बाद में प्रभु राम ने हाथ में धनुष बाण उठा लिया। तो सुग्रीव कहने लगे कि प्रभु माफ करना, बाली को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वो वरदान प्राप्त कर चुका है। उसके सामने से जो युद्ध करेगा उसका आधा बल खींच करके बाली में पहुंच जाएगा। लेकिन हां, तक्षक ने यह भी कहा है कि इन सात ताड़ के वृक्षों को जो एक ही बाण में ढा देगा, गिरा देगा, वो ही बाली का वध करने में सक्षम होगा। इतने शब्द सुनने के बाद राम कहने लगे, तो सुग्रीव माफ करना, अगर मित्र के ऊपर दुख देख करके मित्र दुखी नहीं हुआ तो मित्र नहीं होता, दगाबाज होता है। धनुष उठाया प्रभु राम ने, ताड़ों की ओर देखा तो कांपे धन टंकोर से पृथ्वी और पहाड़, एक बाण से ढा दिए प्रभु ने सातों ताड़। एक ही बाण में सातों ताड़ जो थे वो तोड़ दिए। और ये देख करके विश्वास हो गया सुग्रीव को कि अब बाली का वध निश्चित है, प्रभु राम के हाथ से ही इसकी मौत है। तो राम कहने लगे, भैया दुखी क्यों हो गए? क्योंकि अगर तुम दुखी हो और तुम्हें देख करके मैं दुखी नहीं हुआ तो मित्रता का फल कहां रहा। और ध्यान रखना दोस्तों, बाबा तुलसीदास ने भी लिखा कि जो न मित्र दुख हो ई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्ही बिलोकत पातक भारी। ध्यान रखना दोस्तों, तुलसीदास ने भी ये लिखा है कि मित्र को दुखी देख करके जो दुखी नहीं हुआ वो मित्र नहीं है, दगाबाज है। और ये ध्यान रखना दोस्तों कि मित्र तो वही होता है, मित्रों की पहचान भी कुछ लिखी तुलसीदास ने कि
मेरु समाना पातक भारी राम जिया राम बड़े मित्र तो वही होता है जो मित्र को दुखी देख करके दुखी नहीं हुआ दोस्तों। और फिर मित्रों के बारे में तो बहुत कुछ विद्वानों ने लिखा, उन्होंने बताया कि मित्रता न ऐसा रिश्ता है जो जब चाहा तब छोड़ दिया, हाँ, मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल के तोड़ दिया। लेकिन सर्वत्र दुष्ट या चरणों से मित्र को मित्र बचाते हैं, बादल के नाई गर्मा के ठंडा पानी बरसाते हैं। याद रखना दोस्तों, मित्रों की पहचान ही कुछ और होती है, लेकिन अगर मित्रों में तीन बातें अलग हो जाएं, दोस तीन कर दे अलग मतलब लालच दाम, दोस तीन कर दे अलग मतलब लालच दाम, और दोस्त बादी जब मिले तो बस दोस्ती उसका नाम। मतलब ध्यान रखना दोस्तों, मित्रों में बस तीन यही चीजें अलग हो जाएं तो मित्रता कभी टूट नहीं सकती। और महात्मा तुलसीदास ने भी अपने शब्दों में बताया कि देत लेत मन संकन धरई बल अनुमान सदा हित करही। महात्मा तुलसीदास ने मित्रों के बारे में लिखा और उन्होंने कहा, सेवक सठ नप कृपण कुनारी। ऋषि देव, सेवक सठ, अगर दुष्ट सेवक हो और कंजूस राजा हो, बदचलन औरत हो, ये सेवक सठ नप कृपण कुनारी कपटी मित्र सूल समाचारी, कपटी मित्र सूल समाचारी, कपटी मित्र। तुलसीदास ने भी मित्रों के बारे में बहुत कुछ लिखा और विद्वानों ने यह बताया कि लक्षण है यही मित्रता के, यही सच्ची दिलदारी है। लक्षण है यही मित्रता के, यही सच्ची दिलदारी है। इन दिनों फर्ज ये कहां रहे, अब तो मोह देखी यारी है। लेकिन उधर वहीं आ जाइए जहां प्रसंग चल रहा था बाली और सुग्रीव के बारे में। तो दोस्तों, सुग्रीव से यह कहा भगवान श्री राम ने कि तुम ऐसा करो, बाली से युद्ध करने के लिए जाओ, और जब वो तुमसे युद्ध करने लगेगा, लड़ने लगेगा, हम बाली का वध कर देंगे। इतने वचन सुनने के बाद आज्ञा पाकर बाली घर
और जागर जा सुग्रीव, घर के बाहर ही रहे रघुपति करुणा शिव। सुग्रीव जब बाली को ललकारने लगा तो गर्जन सुन सुग्रीव की उठा बाली ललकार, चरण पकड़ तारा तभी बोली हे भरतार। बाली ने देखा कि सुग्रीव जो हमारे भय के कारण और ऋषिमुख पहाड़ पर छुप करके रहने लगा, आज वही हमारे सामने गरज रहा है। तुरंत भागा भैया का वध करने के लिए। तब तक बाली की पत्नी तारा दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज आप जा रहे हैं? हाँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूं। कहिए। इस समय न रण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। तारा ने कहा कि मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया अंग फड़कता है। इस समय न रड़ करने जाओ, ये दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया नेत्र फड़कता है। बाली के चरण पकड़ने के बाद में रानी तारा कहने लगी, महाराज न जाओ, जो सुग्रीव कभी तुम्हारे भय के कारण इस तरफ देखता भी नहीं था और आज वो ललकार रहा है। तो बाली कहने लगा, तारा कैसी बातें कर रही हो? अरे जग में एक नहीं सौ सुग्रीव हो जाएं, फिर भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। तारा आगे बढ़ा, आते ही आते लिपट गया वो बाली। आते ही आते लिपट गया, पहले अपना ही बार किया, गज के समान चिंगार मार छाती पर मुष्टि प्रहार किया। उस बाली ने आते ही आते लिपट गया, पहले अपना ही बार किया, गज के समान चिंगार मार छाती पर मुष्टि प्रहार किया। दोस्तों अब तो आते आते सुग्रीव के जब घूंसा दिया उस बाली ने, लेकिन सुग्रीव को कहां इतनी शक्ति थी। मुक्का खा सुग्रीव ने खाई बाह पछाड़, मुक्का खाई सुग्रीव ने खाई बहा पछाड़, और दाव बचाई भागा तुरत हाथ पैर को झाड़। अब सुग्रीव बाली के सामने से भाग खड़ा हुआ और जहां श्री राम बैठे थे वहां पहुंच गया और कहने लगा, प्रभु मुझे माफ करना, केवल तुम्हारे बलबूते पर हमने बाली से बैर निभाया, लेकिन आज तो हमारी जान बच गई। कि हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। सुग्रीव कहने लगा, प्रभु हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। हे काल समान बाल मुझको उसको उसका बल तोल लिया मैंने।
जवाब दिया सुग्रीव ने कि प्रभु राम तुम तो बड़े धोखादार मालूम पड़ रहे हो। हमने केवल तुम्हारे बलबूते से बाली से दोबारा झगड़ा मोल ले लिया, लेकिन बाली अब हमें जिंदा छोड़ नहीं सकता। तुमने ऐसा क्यों किया, इतनी अनरीत क्यों निभाई जो हमें बांध भेज दिया और तुम चुपचाप खड़े रहे। भगवान श्री राम कहने लगे, माफ करना सुग्रीव, एक भूल हो गई। भूल? कौन सी भूल प्रभु? बताया कि एक रूप तुम दो भ्राता। भगवान श्री राम बोले, तुम में और सुग्रीव में कोई फर्क नहीं मालूम पड़ा। सुग्रीव बात सिर्फ ये बन गई कि तुम दोनों भाई बाली और तुम, इनमें कोई फर्क नहीं देखा मैंने, कोई अंतर नहीं देखा। बात सिर्फ ये है कि एक रूप तुम भ्राता दो, ओते ही भ्रमते नहीं मारे हु सो। बात सिर्फ यह है तुम दोनों एक ही समान हो, इसलिए हमने ये सोचा कहीं बाली के धोखे में सुग्रीव के बाण न लग जाए, इसलिए हमने नहीं मारा। सुग्रीव के सब बदन में दर्द हो रहा था तो तुलसीदास ने लिखा, कर परेशान कर परेशान सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल सगई सब पीरा। भगवान श्री राम ने बताया कि तुम दोनों भाई एक ही जैसे हो, इसलिए जो है मारने में बड़ी शंका हमें हो रही थी, कहीं ऐसा ना हो जो बाली के धोखे में तुम्हारे तीर लग जाए। और फिर दूसरी बात एक और थी सुग्रीव, तुम ये ना सोचो कि हम तुम्हारे साथ वफादारी नहीं निभा रहे, लेकिन बात ये और थी, मैंने ये सोच रहा था। क्या क्या सोच रहे थे आप? तो प्रभु राम बोले कि सोच रहा था खड़ा खड़ा कि इन दोनों का बैर निकलने दूं। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं, ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। जवाब दिया सुग्रीव, मैं ये सोच रहा था कि तुम दोनों भाई अगर मिल जाओ तो ज्यादा बढ़िया है, अगर ऐसी बात है तो अब की बार तुम जाओ। तो भगवान श्री राम ने एक हार लेके सुग्रीव के गर्दन में डाल दिया और कहा कि इस हार से हम दूर से पहचान लेंगे कि तुम सुग्रीव हो। तो बताया महात्मा तुलसीदास ने कि मेली कंठ सुमन के माला, अब देश लिखा तुलसीदास ने, मेली कंठ सुमन के माला, 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 पठबा पुनि बल दे विशाला। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को बल दे दिया और एक हार गर्दन में डाल दिया। अब सुग्रीव दोबारा फिर ललकारा बाली के सामने जाकर के, लेकिन दोस्तों बाली ने हारी नहीं मानी। अब बाली भाग खड़ा हुआ सुग्रीव को देख करके कि ले गया बाली बाजी आखर भाई को जख्मी कर डाला। उस बाली ने
और एक ही दांव पे पलक दे निर्भय को पृथ्वी पर डाला। सुग्रीव को बाली ने जमीन पर गिरा लिया। भगवान श्री राम खड़े हुए देख रहे थे, सोच रहे थे कि इन दोनों का अगर बैर निकल जाए तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन नहीं नहीं, फिर क्या हुआ, फिर चढ़ बैठा वो छाती पर सुग्रीव को नीचे गिराने के बाद बाली, चढ़ बैठा वो छाती पर चाहा यातों को खींचू मैं, कर चूर चूर हड्डी पसली यातों का लोहू पी लू मैं। बड़ा छाती पर बन बैठा वो बाली और सोच रहा था कि इसके आंतों का खून पी लूं मैं। इतने दशा निहार करके अपने मित्र की और जब सुग्रीव की जान आपत्ति में देखी, भगवान श्री राम ने वृक्ष की आड़ में खड़े थे, छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, और देख दुष्टता बाल की कोई तक के मारा तीर बाली के, और जो बाली के बाण लगा वृक्ष स्थल पर छाती पर, बाली जमीन पर गिर गया। और जब बाली जमीन पर गिर गया, आगे नजर उठाई, आगे जब नजर उठाई तो परा बिकल मही सर के लागे, बोने उठ बैठ देख प्रभु आगे। आंखें बंद हो गईं बाली की, लेकिन बाली ने फिर देखा तो भगवान श्री राम सामने खड़े हैं। मगर दोस्तों, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, जो आंखें खोली बाली की भगवान श्री राम की ओर देखा, और जब राम की ओर देखा उसी समय जो था बाली कहने लगा, प्रभु आप, हाँ लेकिन केवल एक बात बता दीजिए मुझे, आप हैं कौन जो तुमने हमें छुप करके मारा, हमारी जान ले ली। भगवान श्री राम कहने लगे, ओरे बाली, मैं अयोध्या में दशरथ का पुत्र श्री राम हूं। जब ये कहा कि राम हूं तो बाली उठ करके बैठ गया, बाण लगा था, फिर भी कहने लगा कि महाराज बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ कि सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, जो घर बैठे जग बंधन आए। महाराज अच्छा हुआ, सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, भाग्य बड़ा, भाग्य बड़ा, घर बैठे जग बंधन आए, भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। ऋषि क्या कह रहा बाली, के बड़ा अच्छा हुआ जो हमने समदर्शी के दर्शन पाए। समदर्शी, समदर्शी यानी दुनिया को समान समझने वाले, और उसके आज दर्शन हो गए। लेकिन महाराज बैरी को छल से बध करना, एक बात समझ में नहीं आई, तुम तो समदर्शी हो, दुनिया को बराबर मानने वाले हो, बैरी को छल से बद करना ये सूरवीर का कर्म नहीं, छुप कर जे मेरा प्राण लिया। छ
छुप करके जो मेरा प्राण बैरी को छल से बद करना है सूरवीर का कर्म नहीं। छुप कर जो मेरा प्राण लिया, बाली बोला छुप कर जो मेरा प्राण लिया ये रघुवंशी का धर्म नहीं। बाली कहने लगा कि महाराज केवल एक प्रश्न का उत्तर हमें दे दो, जब तुम समदर्शी हो और समदर्शी की नजरों में तो सब बराबर हैं, क्या दुश्मन और क्या दोस्त, उसके लिए सब बराबर हैं। लेकिन तुमने दूसरी बात यह है रघुवंशी में जो जन्म लिया है, तो रघुवंशी कभी दूसरे की छुप करके जान तो नहीं लेता, आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान राम कहने लगे, देखो बात यह है कि तूने वरदान प्राप्त किया है कि सामने से तू मारा नहीं जा सकता, अगर कोई सामने आकर के तुझे मारेगा तो उसका बल खींच करके तुझ में आ जाएगा। सच यह है बाली कि वरदान किसी का नष्ट करी ऐसा न स्वभाव हमारा है। तुमने जो कही कि छुपके हमें काय को मारो, तो हम दूसरे का वरदान नष्ट नहीं करना चाहते, श्री राम ने बताया। वरदान किसी का नष्ट करी ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण आड़ से मारा है। बहुत सुंदर है जवाब दिया कि छुप करके बाण तो हमने तुम्हारे बाली इसीलिए मारा है कि दूसरे का वरदान हम नष्ट नहीं करना चाहते थे, अगर दूसरे का वरदान नष्ट करेंगे तो उसका अपमान है। बाली कहने लगा कि महाराज ठीक है, अगर दूसरे का वरदान नष्ट करने की आदत तुम्हारी नहीं है तो एक बात हमें बता देंगे, आप पूछो कि धर्म है तू अवतारे हु गुसाई और मारे हु मोही व्याधि की नाई। आपका अवतार हुआ है धर्म की रक्षा करने के लिए, लेकिन हमें व्याध की तरह से तुमने क्यों मारा? दूसरी बात एक और है राम, तुम समदर्शी हो, सबको एक समान समझने वाले हो, लेकिन एक बात का उत्तर चाहिए मुझे प्रभु, एक बात का उत्तर चाहिए। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अब गुण कबन नाथ मोहि मारा। बाली ने एक बात कही कि महाराज सिर्फ हमें यह बता दीजिए, ठीक है हम और सुग्रीव दोनों भाई भाई हैं और सगे भाई हैं, लेकिन लेकिन सिर्फ ये बता दीजिए कि हम दोनों भाइयों के बीच में, आप तो समदर्शी हैं दोनों को बराबर समझना चाहिए, फिर तुमने ये दीवार खड़ी क्यों कर दी, इतना फर्क क्यों कर दिया जो मैं दुश्मन और सुग्रीव तुम्हें प्रिय है, सिर्फ ये बात बता दीजिए मुझे कि सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों, भाई भाई हैं हम दोनों,
समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक सी सम दोनों। समदर्शी की नजरों में हम दोनों एक ही समान चाहिए, लेकिन इतना तुमने बैर क्यों निभाया? इतने शब्द सुनने के बाद श्री राम बोले, ओरे बाली, बात सिर्फ यह है कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठये कन्या समाचारी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठिये कन्या समाचारी। और इन्हें कुदृष्टि दिलो कई जोही ताई हरे कछु पाप न होई ताई हरे कछु पाप न होई ताई बधई कछु। अब तुमने बाली जो ये पूछा कि हम में और सुग्रीव में फर्क क्या है, तो फर्क केवल एक है कि अनुज वधू और भगिनी सुत नारी। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की पत्नी और सोने सठ ये कन्या समाचारी। इन्हें जो कुदृष्टि से देखता है उन्हें मारने में कोई पाप नहीं होता है। बात सिर्फ ये है बाली कि सुग्रीव अनुज की भारी आंखों और तूने अपने घर डाला है। सुग्रीव अनुज की भारी आंखों तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। भगवान श्री राम कहने लगे, केवल इसीलिए हमने तुझे मारा है कि इन्हें जो कुदृष्टि से देखता है उन्हें मारने में कोई पाप नहीं होता बाली, लेकिन दूसरी बात एक और है, हम और सुग्रीव दोनों मित्र हैं और मित्र के दुख को हम देख नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है, जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे पढ़ करे मिलाने का, क्या कुछ भी ना प्रत्यन करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। जवाब दिया, सुग्रीव को मैंने अपना मित्र मान लिया और हम दोनों अग्नि को साक्षी देकर के मित्र हुए हैं, तो जब सुग्रीव ने हमारी पत्नी सीता से हमें मिलने का वादा किया है तो क्या उसकी पत्नी से मिलाने का मेरा फर्ज नहीं है? इतने शब्द जब सुने बाली ने राम के, तो मंद मुंद मुसि क्या कर कहे बाल ने बेना। बाण तो लगो यह तो, लेकिन फिर भी धन्य है बाली जो राम की ओर निहार करके और मंद मंद मुस्करा कर कहे बाली ने बेन और धोखा खाया आपने सुनिए करुणाए मन। तुम धोखा खा गए राम हैं? कैसा धोखा? ऐसा खा गए तुमने सुग्रीव से मित्रता कर ली और सुग्रीव को उसकी स्त्री से मिलाने के लिए हमारा वध कर डाला, लेकिन राम कि आप थोड़ा धोखा खा गए, सुग्रीव का तो कष्ट मिटा दिया तुमने मित्रता करने के बाद में, लेकिन प्रभु कि सुग्रीव मित्रता का प्रभु ने और मिलते ही कष्ट हटाया है। उसके कारण पृथ्वी पर से बानर पते बाल मिटाया है।
तुमने तो मित्र बनाते ही बनाते सुग्रीव के कष्टों को दूर कर दिया, बाली ने कहा, और उन सुग्रीव के कारण महाबली बाली का वध कर डाला। लेकिन महाराज, अब तुमने तो उसकी स्त्री से मिला दिया मेरा वध करने के बाद में, अब तुम खुद देखोगे, खुद देखोगे। क्या देखेंगे, राम ने कहा। तो बाली बोला, अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। ऋषि देव, बड़ी समझने की बात है, बाली ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया और कहा कि राम, ये ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। बाली बोला, ये ध्यान रखो कि प्रभुता पाकर के सज्जन आदमी भी दुर्जन हो जाता है। अब देखेंगे कि वो सीता माता से कब तक मिला रहा है सुग्रीव, और सुग्रीव की कहां ताकत है जो रावण से युद्ध करे। हां, इतना है, मैं उसको खूब जानता हूं जो उन्हीं चुरा कर भागा है। बाली ने कहा, मैंने उस तुक्ष अनाड़ी को 6 मास काख में दाबा है। सुग्रीव में कहां वो शक्ति है जो रावण से युद्ध करे। अरे वो रावण जो सीता को चुरा करके ले गया, उस रावण को बाली ने कहा कि मैंने 6 महीने अपनी काख में दबा के रखा, 6 महीने अपनी बगल में दबाया था। लेकिन हां, इतना है, हां मुझसे प्रभु पहले मिलते, तुम तो सुग्रीव से पहले मिल गए ना। हां मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य यहां दिखला देता, अग्नि की साक्षी फिर होती सीता से प्रथम मिला देता। तुमने तो सुग्रीव को मित्र बना लिया, उसका कष्ट भी दूर कर दिया, लेकिन देखना सुग्रीव तुम्हारा कष्ट कब तक दूर कर रहा है। लेकिन हां, सुग्रीव से पहले अगर तुम हमसे मिल लेते तो जिस रावण को मैंने 6 महीने अपनी बगल में दबा के रखा, उस रावण को हम मार करके उस सीता को तुमसे मिला देते, उसके बाद तुमसे मित्रता करते। चलो छोड़ो, अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुकंठ का भाग जगा, ये बाली सदा को सोता है। जवाब दिया है बाली ने, प्रभु भूल कर गए, सुग्रीव से मित्रता की और मित्र बनाने के तुरंत बाद ही मेरा वध कर डाला, उसके कष्टों को दूर कर दिया तुमने। लेकिन तुम खुद देखोगे कि प्रभुता पाने के बाद में भला इंसान भी पापी हो जाता है, सज्जन भी दुर्जन हो जाता है। लेकिन जो रावण सीता मां को चुरा के ले गया है, उस रावण को मैंने 6 महीने अपनी काख में दबाया है, अगर तुम कहते और हमसे पहले मिल जाते तो मैं सीता को पहले मिला देता तुमसे, उसके बाद में पावक की साक्षी होती, अग्नि की साक्षी करके हम मित्र बनते। लेकिन चलो, जो हुआ वो अच्छा हुआ। बताया तुलसीदास ने उसी समय कि सुनत राम अति कोमल बानी, और बाली शीस परे उसे पानी। बाली के वचन सुनने के बाद में रावण के जवान से कोई शब्द नहीं निकला, और जब राम सुस्त खड़े हो गए और बाली के पास पहुंच गए और कहने लगे, बाली कहो, बाली तुम्हें
देही जियाई। राज करो पंपापुर जाई, पंपापुर जाई। जब बाली ने जकही कि हम रावण को मार करके सीता को ले आते, उसके बाद हमारी तुम्हारी मित्रता होती, तो राम कहने लगे, बाली अच्छा जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, भूल हो गई जो हमने तुम्हारे बाण मार दिया। मैं नहीं जानता था कि तुम इतने बलवान हो, इतने शक्तिशाली हो। अब ऐसा करो, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो कहो बाली, और तुम्हें दे जियाई। बाली अगर तुम कहो तो हम तुम्हें जिंदा कर दें। छोड़ो, अगर नहीं मरना चाहते हो तो हम तुम्हें जिंदा कर दें। इतने वचन सुनने के बाद बाली हंस के बोलो, महाराज अब हमारी जान तो जा ही रही है, आखिरी श्वासें हैं, उनमें हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। राम बोले, कहो बाली क्या कहोगे। बाली कहने लगा, प्रभु ऐसा तो ना तुम जासे में जिंदा कर रहे हो कि सीता जी से अब जल्दी मिलन हो जाए। तासो राम, राम कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है, एक काम करो बाली, जो कुछ इच्छा हो मांग बाले, बतला तुझको जिंदा करती। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बतला तुझको जिंदा कर दे। यदि मरना नहीं चाहते हो बतलाओ, तुमको क्या बर दे। राम कहने लगे, बाली अगर मरना नहीं चाहते हो तो हम तुम्हें चलो जिंदा कर रहे हैं, तुम न मरो हम तुम्हें जिंदा कर रहे हैं। और जब जगह जिंदा कर रहे हैं, तो बाली कहने लगा, महाराज वह बोला क्या इसलिए जिंदा करते आप। बाली ने कहा, वह बोला क्या इसलिए जिंदा करते आप, और मेरे द्वारा सिया से हो अति शीघ्र मिलाप। ताईस जा जिंदा कर रहे हैं। तो रघुबर बोले, ये नहीं और स्वार्थ नहीं कुछ तात, सरल भाव से कह रहा मैं तो इतनी बात, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें जिंदा कर दें। बाली कहने लगा, प्रभु माफ करना, बात एक और है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम आवत कही नाही। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कही आवत नाही। अंतराम कही जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबए समगति अविनाशी, देत सबए समगति अविनाशी। बाली कहने लगा, प्रभु माफ करना कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, और अंतराम कयावत नाही। इंसान हजारों साल गुफा में बैठ करके भगवान का भजन करता है,
फिर भी अंत में प्रभु राम का नाम उनके मुंह से नहीं निकलता। और आज बड़ा सौभाग्य है जो मरते वक्त तुम्हारे दर्शन कर रहे हैं, इसलिए प्रभु अब हमें जिंदगी में जीना नहीं है, अब तो हम यहां से जा रहे हैं। लेकिन हां, बात सिर्फ इतनी है प्रभु राम कि हर समय कि हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है। लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। बाली कहने लगा, प्रभु माफ करना, जन्म जन्मांतर तपस्या करने के बाद भी राम का शब्द मुंह से नहीं निकल पाता है, इसलिए प्रभु एक बात का ध्यान और रखना। अपने लड़का बाली का हाथ पकड़ा और प्रभु राम की ओर बढ़ाया और जवाब दिया, इस अपने बालक अंगद का ये हाथ में लो भगवान, अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवान। जवाब दिया है कि महाराज, अगर तुमने सुग्रीव को राज्य देने के लिए कह दिया है तो यह हमारा लड़का है अंगद, इसे युवराज बनाना है, तुम्हें युवराज बनाना है। इतने वचन सुनने के बाद में राम कहने लगे, माफ करना बाली, तुम जो कहोगे वो हमें स्वीकार है। उसी समय राम ने जब वचन दे दिया, और जब राम ने वचन दे दिया है, अब नाथ कर करुणा बिलो कहूं देहु जो बर मागहु, जो ही जान जन्मो कर्म बस तही राम पद अनुराग हूं। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहि बाही सुर नर नाही आपन दास अंगद कीजिए। तुरंत ही बाली ने अंगद का हाथ राम के हाथों में दे दिया, और राम के हाथों में देने के बाद दोस्तों ये कहकर लोटा चरणों पर और मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया। वो वाली यह कहकर लोटा चरणों पर मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया। श्री राम राम कहते कहते श्वासों को उसने तोड़ दिया। दोस्तों, प्रभु राम के चरणों में लेट जाता है बाली, और उसके बाद में अपने प्राणों को छोड़ दिया। भगवान श्री राम के हाथों में अंगद का हाथ देकर के सदा सदा के लिए वो वीर बाली सो गया। और जब बाली खत्म हो गया, प्रभु राम ने उस बाली को लिखा तुलसीदास ने कि राम बाली निज धाम पठावा, और नगर लोग सब व्याकुल धावा।
बिना विधि बिलाप करी तारा छूटे के सन देह संहारा। बाली जब खत्म हो गया प्रभु राम के चरणों में, उसी समय बाली की पत्नी तारा भागती हुई अपने पति की लहस पर बिलखने लगी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम समझाने लगे और कहने लगे, तारा रोए ना, ये दुनिया आनी जानी है। कि तारा बिकल देखी रघुराया, अरे तारा बिकल देखी रघुराया, दीने ज्ञान हर लीनी है माया, सिया राम हरे सीता राम हरे हो राजा राम हरे, तारा बिकल देखी रघुराया। भगवान श्री राम समझाने लगे, हे तारा अरे व्याकुल मत हो जाओ, तुम्हारा पति परम धाम को गया है और दुनिया में जो आता है वो चला जाता है, अरे तुम्हें कहाँ ज्ञान है। कि चित जल पावक हरु गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल बना शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, भगवान श्री राम ने बहुत समझाया तारा को, तो तारा जो थी अधीर होकर के व्याकुल होने लगी। लेकिन भगवान श्री राम ने जब सोचा कि बाली ने यह कहा है कि अंगद को युवराज बनाना है, उसी समय सुग्रीव को राज्य देने के लिए लक्ष्मण से कहा और कहा कि जाओ सुग्रीव का राज तिलक करो और उसके बाद में अंगद को युवराज बनाना है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना कि बाली सुग्रीव का बैरी यहां था और उसने अंत तक बैर निभाया, बैर निभा करके चला गया कि निज हित तो भक्ति दान मांगा और परलोक संभाला यूं अपना, देखो बाली को। अब बाली की चालाकी, निज हित तो भक्ति दान मांगा पर लोक संभाला यूं अपना, बेटे के लिए सौंप प्रभु को मन का कर डाला यूं अपना। बहुत सुंदर बेटे, और भाई का था वह परम शत्रु, शत्रुता निभाई आवी है उस बाली ने, भाई का था वो परम शत्रु, शत्रुता यहां पर भी रखी, आगे के लिए राजगद्दी अपने बेटा को ही रखी। बेटा इस तरह से दोस्तों प्रभु राम ने बाली का वध किया है और सुग्रीव को वहां का राज तिलक दिया है। माफ करें, अब राजपूत कैसेट में आपको प्राप्त होगी रामायण की कहानी, अहिल्या से छल इंद्र ने किस तरह से किया था और इंद्र अहिल्या की मर्जी से ही उनके साथ छल करने के लिए आया था। ये रामायण की कथा हम अति शीघ्र आप तक पहुंचा रहे हैं राजपूत कैसेट में।